ये वीडियो सीधा उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है ये क्लैश सिर्फ एसआर के और प्रभास की है, या फिर जिन्हें लगता है ये क्लैश प्रशांत नील और राजू हिरानी की है, या जिन्हें लगता है ये क्लैश डंकी वर्सेस सलार मूवी की है। नहीं गाइस, इन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लैश है स्क्रीन्स की। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं ऐसे अपडेट लाई हूँ जिसे सुनने के बाद ये पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। आप सब तो अब तक जान ही गए होंगे कि पेन को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वायर एप और इंडिया में से कर रहा है पेन मूवीज, और सलार को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल AA फिल्म्स। तो सीधी बात, नो बकवास, AA फिल्म्स का ऑब्वियसली अच्छा होल्ड है हिंदी बेल्ट में, और इन्होंने बाहुबली 1-2 जैसे फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, और ऑब्वियसली जो आने वाली है बड़ी मूवी KGF 3, उनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी इन्हीं के पास है। वो सब छोड़ो, जो हाल ही में रिलीज होने वाली है एनिमल मूवी, वो तो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर लग रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी AA फिल्म्स कर रही है। तो थिएटर ओनर्स पे इनका अच्छा खासा होल्ड है, और इसी बात को लेकर जो हेटर्स है, हेटर्स मतलब समझ गए ना कौन, मेरे इस वीडियो में जाकर देख लेना कि हेटर्स कौन है, ये कह रहे हैं कि सलार का कलेक्शन ज्यादा होगा। पेन मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी और कई सारे। पेन इंडिया ने जवान का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिया था सिर्फ नॉर्थ इंडिया से और वेस्ट इंडिया अंडर पेन मरुधर बैनर, तो ऑब्वियसली जवान से काफी अच्छा फोल्ड बनाया है इन्होंने। पर AA फिल्म्स का अच्छा खासा फोल्ड है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। पर बॉस, पिक्चर अभी बाकी है, ऑलमोस्ट ये श्योर शॉट है अगर किसी भी तरह का उल्टा सीधा गेम होता है स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन में तो वायरस सीधा एंट्री ले लेगी हिंदी बेल्ट में टू डिस्ट्रीब्यूट डंकी। अब वायरस के पास अच्छे खासे बड़े बड़े फिल्मों का लिस्ट है जिसे वो अच्छा खासा स्क्रीन लॉक कर सकती है हिंदी बेल्ट में फॉर डंकी। तो अप्रोक्सीमेटली 5500 स्क्रीन है हिंदी बेल्ट में से, तो इसमें से ऑलमोस्ट 4000 या 4500 स्क्रीन्स मिल जाएगी डंकी को, और अगर सलार को 1500 स्क्रीन्स भी मिल जाती है हिंदी बेल्ट में से तो ये सलार के लिए बहुत बड़ी बात है। पर 4000 से 4500 की स्क्रीन्स के साथ डंकी एक ब्लॉकबस्टर सामने आएगी। इतना ही नहीं, ऊपर से कंटेंट है राजू हिरानी की द गोल्डन मैन, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 Idiots, PK, सब एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर थी। तो इस लिस्ट में ऐड कर लो डंकी को, बहुत लंबा चलेगा। December 22 से लेकर January 22 तक कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही है डर के मारे, क्योंकि डंकी का 22 दिसंबर का डेट 1.5 साल पहले ही लॉक हो गया था। तो ओवरऑल 30 दिन में डंकी का ओवरऑल कलेक्शन क्या 1500 करोड़ टच करेगा? सलार का फाइनल कलेक्शन कितना होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।